नमस्कार दोस्तों, टेक लाइफ हिंदी वर्ल्ड में स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं रेडमी का न्यू लॉन्च फोन रेडमी नोट 7 इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसमें अंदर क्या क्या आपको कंटेंट मिल रहे हैं, क्या क्या एसेसरीज मिल रही है, वो सारा मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप बॉक्स देख रहे हैं, व्हाइट कलर के बॉक्स है और इस बॉक्स में सबसे ऊपर देखिए लिखा है इंडियाज नंबर वन। इस साइड में शाओमी का लोगो है, नीचे लिखा है रेडमी नोट 7। जी हाँ, बहुत प्यारे लुक में ये फोन सेट आया है, न्यू लॉन्च यही फोन है। अब इसमें बैक साइड में यदि आप देखते हैं तो लिखा है रेडमी नोट 7 बाय शाओमी। इस साइड में भी देखिए सेम वही लिखा है रेडमी नोट 7 बाय शाओमी। यहाँ फ्रंट पे कुछ नहीं है। इस साइड में देखिए तो यहाँ पे MRP और कंटेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बैक साइड आप देखिए तो यहाँ क्या दिखा रहा है। यहाँ सबसे पहले लिखा है ऊपर रेडमी नोट 7। ये रेडमी नोट 7 है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो दिखा रहा है इक्वाल काम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 660 प्रोसेसर है। सेकेंड ऑप्शन पर दिखाई दे रहा 16 सेंटीमीटर का स्क्रीन है। तो स्क्रीन क्या है, 16 सेंटीमीटर मींस 6.3 का फुल HD, FHD मींस फुल HD नोच डिस्प्ले है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय का डिस्प्ले आया है आपका, जो कि ऊपर तक पूरा स्क्रीन रहता है, उसी को नोच डिस्प्ले कहते हैं। ऊपर के स्क्रीन को आप स्विच भी कर सकते हैं, नोच को डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर डुअल रियर कैमरा है। इस डुअल रियर कैमरे में दिखा रहा है 12 MP प्लस 2 MP का EL डुअल रियर कैमरा। ठीक है, बैटरी देखा जाए चौथा ऑप्शन दिखा रहा है बैटरी का 4000 mAh का हाई कैपेसिटी बैटरी है। अब इसमें और देखा जाए तो इसमें सैफायर ब्लू कलर का हैंडसेट है, सैफायर ब्लू कलर का, जो कि 3GB 32GB के वेरिएंट में है। 3GB रैम है, 32GB इसका इंटरनल मेमोरी यानी रोम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेड इन इंडिया का लोगो है, मेड इन इंडिया का। आपके शाओमी का प्रोडक्शन अब आपके इंडिया में भी होने लगा है। अब इस साइड में जहाँ MRP की बात थी उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रेडमी नोट 7 सैफायर ब्लू। वेरिएंट क्या है, वेरिएंट हमारा है 3GB और 32GB इंटरनल। प्रोडक्ट नेम बता रहा है, मोबाइल फोन है, प्रोडक्ट मॉडल है M1901F7i, पार्ट नंबर, ये सारी चीजें। अब इसमें नेट क्वांटिटी दिखा रहा है, एक बार कोड आप देख रहे होंगे, नेट क्वांटिटी दिखा रहा है। तो इसमें एक मोबाइल फोन है 1 यूनिट, एडाप्टर है 1 यूनिट, USB टाइप सी केबल 1 यूनिट। तो इसकी जो डाटा केबल मिल रही है वो टाइप सी का USB केबल है। सिम इजेक्ट टूल, जो सिम इजेक्ट करने का पिन आता है वो इसके साथ है। यूजर गाइड, वारंटी कार्ड और क्लियर सॉफ्ट केस है, इतनी चीजें हैं। यदि इस साइड में आप देखिए तो यहाँ पे 12,999 MRP है, 12,999। और यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो यहाँ इंडिया में अपने है वो यहाँ पे एड्रेस भी दिखा रहा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये आपका आंध्र प्रदेश का एड्रेस है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे अंदर हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है, ये सारी चीजें मैं दिखाता हूँ आपको। बॉक्स को मैंने कट करके ओपन कर लिया है। यहाँ देखिए बॉक्स इस तरह का है, फर्स्ट इसको निकालते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये है इसमें हमारा, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये बैक कवर, यहाँ पे हमारा पैक है, बैक कवर है। इसमें हमारा बैक कवर है, ये देखिए इसमें हमारा बैक कवर है जो कि कंपनी दे रही है, इसके साथ ही ये बैक कवर है। ये हमारा हैंडसेट हमारा सैफायर ब्लू कलर का है, जिसमें बैक में डुअल रियर कैमरे हैं,
डुअल रेयर कैमरा, डुअल रेयर कैमरे के नीचे फ्लैश है, यहाँ पे मेंशन है एएल कैमरा, मेंशन है यहाँ पे एएल कैमरा 12 1.25 μm। और पीछे फिंगर सेंसर है जिसके जरिए से आप अपने मोबाइल को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे हाइब्रिड सिम अडाप्टर का सिंबल दिखा रहा है, हाइब्रिड सिम अडाप्टर का, जिसमें डुअल सिम एक साथ है तो लगा सकते हैं इसमें, या तो वन सिम और वन एसडी कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। फ्रंट पर आप देखिए तो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है जिसपे सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन है। रेडमी नोट 7 है, फर्स्ट है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 660 लेटेस्ट प्रोसेसर है। उसके नीचे आप देखिए 6.3 इंच का फुल एचडी नोच डिस्प्ले है। उसके नीचे दिखा रहा है 12 MP + 2 MP का एएल डुअल रेयर कैमरा, और सबसे नीचे दिखा रहा है 4000 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी। ये आपका हैंडसेट हो गया। हैंडसेट को और थोड़ा गौर से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सबसे ऊपर फ्रंट कैमरा दिखा रहा है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो टाइप सी यूएसबी दिखा रहा कनेक्टर, टाइप सी यूएसबी का एक कनेक्टर पॉइंट है। और यहाँ पे दो स्टीरियो साउंड का स्पीकर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा टॉप पर यदि आप देखिए तो यहाँ पर आपका 3.5 mm का म्यूजिक का जैक है। इसके बगल में इंफ्रारेड का है, इंफ्रारेड सेंसर जो कि आपकी शाओमी के हर हैंडसेट में लगभग मिलता है, जिसके जरिए से आप अपने रिमोट कंट्रोल के थ्रू टीवी को, सेट टॉप बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक माइक का ऑप्शन है, इस माइक के जरिए से आपका जो भी नॉइस है, नॉइस रिडक्शन के लिए आपका माइक होता है। अब आगे बॉक्स में और देख लेते हैं क्या क्या है। तो बॉक्स में देखते हैं, ये हमारा इसी के साथ था, पैकिंग का ही है, कैमरे को पैकिंग में इस तरह दिया गया था। इसके अलावा ये हमारा यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल है रेडमी का, यूजर मैनुअल में सेम उसके बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है। यूजर मैनुअल में बहुत सिंपली सारे फंक्शन को बताया गया है इसके बारे में। और एक दूसरा एक कार्ड है जिसमें ये वारंटी से रिलेटेड दिखा रहा है, और सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे है ये सर्विस सेंटर भी दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ नीचे आप देखें बॉक्स में कंटेंट है आपका, एक टाइप सी का चार्जिंग केबल है, टाइप सी का चार्जिंग केबल है, यूएसबी केबल टाइप सी वाला है। इस साइड में आप देखेंगे तो एक टाइप सी का कनेक्टर है, ठीक है। और एक चार्जर है, चार्जर है, चार्जर भी आप देखेंगे तो इसमें हम आपको पावर दिखा देते हैं। चार्जर में रैपर में MSD बाई मैन्युफैक्चरिंग नेम बता रहा है, हांगकांग का बना हुआ है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसमें पावर रेटिंग दिखा रहा है, पावर रेटिंग में 2 एम्पियर का पावर अडाप्टर होगा। मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, ये 5 V 2 एम्पियर का पावर अडाप्टर है। इसके जरिए से आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग की सुविधा आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप में एक्सेसरीज में USB टाइप सी का केबल है, चार्जर है और हैंडसेट ए है। अब हैंडसेट को जरा मैं ऑन करके दिखा देता हूं, ये हैंडसेट है, हैंडसेट की यदि पन्नी हम ऊपर से निकाल दें तो इस तरह का बहुत ही यूनिक हैंडसेट है, सैफायर ब्लू कलर है, फुल मेटल बॉडी लग रही है। और पीछे मिरर बैक का जो है मिरर टाइप की बैक साइड है जिसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है ना? अब हम इसको ऑन करते हैं, ये देखिए दोस्तों ऑन करने पे रेडमी बाय शाओमी इस तरह का
लोगों के साथ स्टार्टअप हो रहा है, जबकि बाकी के सेटों में आपने जब भी देखा होगा तो इसमें MI लिख कर आता है। अब आगे देखिए प्रोसेस हो रहा है, Redmi Note 7 स्टार्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, बूट हो रहा है आपका ये हैंडसेट। इस तरह की आपकी स्क्रीन आ गई। अब इसमें आप देख रहे होंगे नोच डिस्प्ले, मीन्स आपका कैमरे को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन पे आपकी स्क्रीन है। इस स्क्रीन को भी डिसेबल इनेबल आप कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम सेटिंग में आके दिखाते हैं आपको कि क्या क्या फीचर्स है। तो ये देखिए आपका MIUI ग्लोबल 10.2 का इसमें वर्जन पड़ा हुआ है, MIUI का वर्जन है। इसमें अबाउट में हम जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो Redmi का सेट है, Redmi Note 7 है, Android 9.0 पाई वर्जन है जो कि एकदम करंट वर्जन है आपका एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपका 5/2/2019 यानी 5 फरवरी 2019 का एकदम लेटेस्ट है। MIUI वर्जन आपका 10.2 स्टेबल वर्जन है, ठीक है। मॉडल नेम है M1901F7i। CPU आपका ऑक्टा कोर मैक्सिमम 2.2 GHz का प्रोसेसर है और 3.0 GB का इसमें रैम है। इंटरनल स्टोरेज आपका यहाँ पे टोटल 32 GB का दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा वर्जन 3/32 के इसमें है और जिसका MRP आपने देखा था 12,999 है। इसमें यदि हम बैक कैमरा ऑन करते, ये बैक कैमरा हमने ऑन किया तो ये देख रहे होंगे आप बहुत ही क्लियर पिक्चर ले रहा है, बहुत ही क्लियर पिक्चर ले रहा है। और इसमें यदि हम देखें तो हमारा इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। सेटिंग में यदि हम जाएं तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपका हम दिखा देते हैं, कैमरे क्वालिटी कितनी आप ले सकते हैं, हाई स्टैंडर्ड लो 3 क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी कैमरे में फोटो आप खींच सकते हैं। और कैमरा फ्रेम 4.3 और 16.9 का दो ऑप्शन है, मैक्सिमम सारे में रहता है। इसके अलावा यदि हम इसकी वीडियो पर आते हैं तो वीडियो पे क्लिक करने पे ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसमें सेटिंग में। तो सेटिंग में देखिए आप फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS का, और यदि हम इसमें देखें तो 60 FPS का भी है रिकॉर्डिंग। इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं दिया है, ये इसमें मिसिंग। और यदि हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में इस सामने आप देख रहे हैं नोच डिस्प्ले आ रहा है। यदि नोच डिस्प्ले को हम यहाँ से डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेटिंग में, सेटिंग में हम आ जाएंगे डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले में देखिए सारे ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। ब्राइटनेस, यहाँ से ब्राइटनेस का लेबल है, दोस्तों जैसा मैंने इसमें चेक किया इसमें नोच को डिसेबल इनेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन फ्यूचर के अपडेट से हो सकता है इसका ऑप्शन ये आ जाए जिससे आप नोच को डिसेबल इनेबल कर सकें। फिर भी जिस रेंज में हैंडसेट है दोस्तों बहुत यूनिक हैंडसेट है 6.3 इंच ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।